उर्फ राजू चौहान। क्या मामला है? मैं एक्स आर्मी पर्सन हूँ, 17 साल 2 महीना सर्विस करके घर आया। उस दौरान मेरे भाई ने, मैं तो देश सेवा में रहा, सन 2000 में एक मेरी पैतृक संपत्ति जिला कासगंज तहसील सावर ग्राम बड़ारी कला की संपत्ति उसने फर्जी बंधा करा करके बेच दिया मेरी जगह पर। दूसरी संपत्ति 2002 में बेच दी, वो भी फर्जी बेच दी। आज 2019 से जो मेरे पिताजी ने और जो मैंने अपनी सर्विस के दौरान यहाँ पर जो संपत्ति खरीदी डिस्ट्रिक्ट आगरा में, उसको बेच के मेरी माँ और को इतना बहला रखा है, बेच के सीधा उसी को देती है। और अभी 22/5/2020 को वसीयत भी उसने अपने बच्चों के नाम पूरी करवा दी है, पूरी 32 बीघा जमीन, मकान, प्लॉट, चल अचल संपत्ति, बिट्टी देवी के नाम जो भी है, विलय कुमारी बिट्टी देवी दो नाम है उनके, वो पूरी उन्हीं के नाम करा दी। और उमा शंकर वकील ने ये कार्रवाई पूरी कर रहा है। दूसरा, 2/6/2020 को बैनामा कर रहा था वो, जिसको हम 17 दिन से रुकवा रहे हैं, तहसील बैठ रहे हैं, मेरी मिसेज, मेरे बच्चे रोजाना बैठ रहे थे और मैं इतना दुखी हो चुका हूँ कि अब हमारे पास आत्महत्या का कोई कारण नहीं बचा है। सिर्फ हमारे पास एक ही बचा है कि हम आत्महत्या करें। लेकिन करने से पहले डीएम साहब, सीएम साहब तक को बताना चाहता हूँ कि इस मौत का उत्तरदायी उमाशंकर वकील और मेरी माँ वीनू चौहान यही होंगे। उमाशंकर वकील बाहर तहसील का सबसे बड़ा डॉन है, जितने भी गलत बैनामा, फर्जी बैनामा है, यही करता है, दूसरा कोई वकील नहीं। इसके खिलाफ 20 केस हैं, हाईकोर्ट से भी आ रखा है, अभी मैं आपको उसका साक्ष्य दूंगा जो इसके खिलाफ आ रखी है कार्रवाई। और मैं अपने बच्चों साथ बोल रहा हूँ, 6 दिन के अंदर मेरी कार्रवाई नहीं हुई, मुझे न्याय नहीं मिला, तो पूरा परिवार मेरा तहसील गेट पर आत्महत्या कर लेगा। दूसरे नंबर पे है जो मेरा वजह का फोटो लगाया हुआ है, हाँ, दूसरे नंबर पे जो ऊपर दूसरे वाला, हाँ, दूसरे वाला, पहले वाला वीनू चौहान का, पहले वीनू चौहान है, दूसरा मेरा फोटो लगा मेरी जगह पे दूसरा बंदा खड़ा किया हुआ है। अच्छा, ये पहला किन का है? पहला वीनू का है जी। ये मेरी जगह पे दूसरा बंदा खड़ा किया जी? ये मेरे चाचा जी जिन्होंने अपना शेयर बेचा है जी। ये लेने वाला है, चाचा जी ने भी अपना शेयर बेचा, हाँ, ये फर्जी फोटो, ये फर्जी फोटो है जिसमें फोटो मेरा लगा हुआ है, ये नीचे वाला फर्स्ट में, और बैनामा उन्होंने किया है, ना मुझे पता है। सारी भाई ने अपनी पत्नी के नाम और माँ के नाम ली, आज हमारे पास कुछ नहीं है, हमको न्याय चाहिए। 15 दिन से हम जहाँ तहसील में बैठ रहे हैं, तो तहसील में ना बैनामा करने के बजाय अपने घर की सोच रहे हैं और घर पे बैनामा करवा रहे हैं। रात को 10:30 बजे तक हम रुक रहे हैं और इसने बैनामा, एक जो वकील है राम नरेश बघेल, उसको भी इसने फर्जी बताया, अपने घर पे बैनामा किया, और जब इसके खिलाफ FIR हुई तो अपना नाम निकलवा के उस बेचारे राम नरेश को जेल भिजवाया, 6 महीने की जेल काट के बेचारा बैठा हुआ है राम नरेश वकील। पता कर सकते हैं अपना कौन सी जगह है, ये कमतरी गांव का रहने वाला है, वो भी आया हुआ है इधर, लेकिन इतना डरपोक है, इससे इतना डरा हुआ है, पिस्टल की धमकी दे रखी है, उसके पास रिकॉर्डिंग भी है, इसने पैसे मांगे हैं उस दौरान 2 बार, एक बार 20,000 मांगे, 20,000 ले लिए, दूसरी बार 50,000 मांगे, उसने नहीं दिए तो उसको फंसवा दिया, 6 महीना जेल करवा दी उसको। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।